सियालकोट के बाद अगला जेलम जी, ये देखते हैं जी ये जेलम से क्या सवाल है इनका, क्या वरहमतुल्लाह हो गया, आवाज ही बंद हो गई है मेरी जान। शुक्र वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर है। साहब उमर बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बकरी है तो उसको मतलब डिवर्मिंग भी की हुई है और उसकी आंखों में वो होम्योपैथिक के कचरे जो है एक वो भी डाल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा। क्या मसला है इसका? मेरी जान, डीवर्मिंग सही की जाए तो फिर रुकना चाहिए, और पानी अगर उसके सफ़ेदी वगैरह या कुछ इस तरह की हो तो साइनरेरिया, साइनरेरिया मैरिटिमा, वो ड्रॉप्स काफ़ी कारामद साबित होते हैं। अगर नहीं हो रहे तो पानी के छींटे मारें, और अगर हो सके तो वह साइनरेरिया मैरिटिमा के कतरे डालें सुबह शाम, लेकिन इसकी डीवर्मिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर चेक कर लें, डीवर्मिंग सही नहीं हुई। अगर डीवर्मिंग हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी रुक जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। और किसी अपने करीबी कोई सही डॉक्टर हो ना, जो सही मुस्तनद किस्म का, जेल में बहुत सारे हैं, उनसे भी कांटेक्ट करें और मशवरा उनसे भी करें और इलाज कराएं इसका। और अगर हो सके डॉर्मेक का 2 CC का जेरे जिल्द टीका लगा दें इसको। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, जिस आदमी के पांव अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुए उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, हदीस में ये बुखारी से कोट कर रहा हूँ। फ़ीमान अल्लाह।